हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही हेल्दी वर्जन वाली सब्ज़ी जो हमारे प्लेट में साइड डिश का काम करेगी ऐसी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ। तो मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च को थोड़ा सा ब्लांच कर लिया है। ये 60 से 70% गल गया है सब कुछ। एकदम 5 मिनट में ये रेसिपी बनेगी, आप लोग बस देखते जाइएगा। यहाँ एक बड़े साइज़ का और एक बड़े साइज़ का टमाटर और प्याज मैंने लिया है, 2-3 मेरी हरी मिर्च हैं, 7-8 कलियाँ लहसुन की, आधा चम्मच जीरा, थोड़ा थोड़ा सा मसाला लिया है क्योंकि बहुत ही हल्के वाले बना रही हूँ, एकदम लाइट वेटेड, आधा चम्मच नमक है, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है एंड 1/3 टीस्पून के जितना मेरा लाल मिर्च है। एकदम 5 मिनट में बनेगी, बस आप सब्जियों को थोड़ा सा बॉईल करके रख लीजिएगा। चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। पे मैंने 3 चम्मच के जितना ऑयल डाल लिया है, सरसों का तेल है अपने पैन में, और जल्दी से हाई हीट रखेंगे अभी थोड़ी देर, जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हो ही चुका है। तो हम इसमें अब जीरा डाल देते हैं। ये देखिए, फटाफट फटाफट करेंगे, एकदम लेट नहीं करेंगे, जलने नहीं देंगे और जल्दी से पका भी लेंगे। और 5 से 7 मिनट में ये सब्ज़ी आपकी बनके तैयार हो जाएगी, ऐसी मेरी गारंटी है, अगर आप इतनी स्पीड से बनाएंगे और ये सारा प्रिपरेशन करके रखेंगे। बस लहसुन को हम कुछ सेकेंड्स तक सॉटे करेंगे। लहसुन के साथ में हम एक साइड हरी मिर्च भी डाल देते हैं और ऐसे साइड कर लेते हैं लहसुन को, हरी मिर्च इधर पकेगी। इस साइड हम प्याज डाल लेते हैं अपना, फटाफट फटाफट करेंगे। खाना बनने के बाद भी अगर आपका मन हुआ कि एक साइड डिश बनानी है तो आप बस 5 से 7 मिनट में ये साइड डिश बना के तैयार कर सकते हैं। 2 मिनट तक बस देखिए, लहसुन हमारा अच्छा सा ब्राउन हो गया है। बस हमारी प्याज भी 2-3 मिनट भून लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कलर कर ले और सॉफ्ट हो जाए, बस हमें ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है, आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर चेंज कर लिया है, प्याज में सॉफ्ट भी हो गई है। साथ में डाल देते हैं टमाटर, आप डाल जानते हैं कि टमाटर डालने के साथ में मसाले भी डालती हूँ, तो मसाले भी डाल देते हैं और इनको भी हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे अच्छा सा, टमाटर हमारा थोड़ा गल सा जाए, एकदम हमें मैशी मैशी नहीं करना है, थोड़ा चंकी रहे बस, गल जाए और मसाले भून जाए, क्योंकि फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है तो बहुत जल्दी ही इसका मॉइस्चर सूखने लगा है टमाटर का जाते के साथ ही। हल्का सा पानी ऐड करूँगी मैं। फ्रेंड्स, मैंने इसी का स्टॉक लिया है, वेजिटेबल जो पानी जो सब्जियां उबाली मैंने स्टॉक निकाल के रख लिया, तो उसी को मैं ऐड कर दूँगी। तो मैंने 2 से 3 चम्मच के जितना स्टॉक ऐड कर दिया है, इसको मैं कवर कर देती हूँ फॉर 2 मिनट, जिससे हमारा जल्दी से टमाटर भुन जाए और मसाले भी। देखिए, इसको मैंने 2 मिनट कवर कर दिया था, अभी अभी ढक्कन हटाया है, काफ़ी कुछ हमारा हो गया है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, प्याजे भी, मसाला भी भुन गया है। चलिए अब हम अपनी जो सब्ज़ी है मैंने स्ट्रेन करके रखी हुई है, इसको डाल देते हैं। आप मसाले अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा, जैसे जितना जितना मैंने डाले हैं, अगर आप थोड़ा नमक ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, वैसे तो मैंने कम के हिसाब से डाला है। अच्छे से बस मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट इसको हम ढक के बस पका लेंगे और हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार हो जाएगी, एकदम लाइट वेटेड और टेस्टी, क्योंकि हमारी सब्जियां सब लगभग पकी हुई हैं। 2-3 मिनट हम इसको और कुक कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसको कवर कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, इससे वो जल्दी हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मेरा हो चुका है सब्ज़ी डन, 5 से 7 मिनट में ये सब्ज़ी हो गई है तैयार, और आपने देखा कितनी फटाफट मैंने बनाई है। चलिए, इसको मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है, इसको करते हैं बढ़िया से सर्व। आप लोग भी इस तरह से साइड डिश बनाइए बनाइए और आई एम श्योर आप अगर ये बना लेंगे तो आप बाकी का खाना छोड़ के बार बार ये खाएंगे और डेली एक टाइम ये बनाना चाहेंगे। ये देखिए, मेरी लाजवाब सी जो है हेल्दी वर्जन सब्जी तैयार है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।